अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट वीडियो में हमने ये कार मॉडल करना शुरू की थी, ये लैम्बोर्गिनी एवेंटेडर, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था। हमने इसका टॉप मोस्टली पार्ट बनाया था और उसके बाद मैंने इसकी एडिशनल मॉडलिंग वगैरह करी थी। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इसकी विंडोज़ है, उसके नीचे थोड़ा थोड़ा एडिशनल वर्क किया। मैं आपको इस फोकस में ला के दिखाता हूँ। इसकी लाइट्स सही अब हाईलाइट होगी, मैंने इसमें फिलिंग नहीं की, वो मैं अलग पेन ऐड करके इसमें इसकी लाइट्स बना दूँगा। उसके बाद मैंने बैक साइड पे भी कुछ एक्सट्रूजन फिलिंग किया, जैसे इनके दरमियान गैप था यहाँ पे, ये चीज़ खाली थी तो मैंने यहाँ पे फिलिंग कर दी। और उसके बाद साइड पे विंडोज़ बनाई हैं और उनके नीचे डोर्स के पार्ट कुछ बनाना शुरू कर दिए। और यहाँ से भी हमने फ्रंट टायर का बना दिया, मतलब पूरी वो गोल शेप होती है वो हमने थोड़ी सी बना दी। अब हम इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं और इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। अब इसको फोकस ऑफ किया और अब इसके टॉप पार्ट से अब मोस्टली काम हो चुका है। हाँ, और अब वर्टिस सेलेक्ट में प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन करते हैं, इसको पकड़ा जी, इसको थोड़ा एक्स की तरफ मूव करेंगे और साथ इसको पकड़ते हैं जी एक्स यहाँ पे, और थोड़ा कर देते हैं रोटेट। थोड़ा शेप हो सकता है कि वैसे ना हो, लेकिन हमने जिस तरह पिक्चर में देखना हम उसी तरह इसको शेप देंगे जी एंड एक्स। इसको हल्का सा इसको कम कर देते हैं बिल्कुल इतना। अब आगे से भी सेट करते हैं शेप, या आगे से ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब हम इसको साइड से बनाना शुरू करते हैं, ये हो गया इधर। और अब हम इसको इसके डोर्स पहले बनाना शुरू करते हैं, यहाँ से ये दो वर्टिस पकड़े, यहाँ पे इसको एक बार एक्सट्रूड किया, यहाँ एक बार एक्सट्रूड किया, यहाँ पे और एक बार एक्सट्रूड किया इसको यहाँ। बाकी मैं इसके साथ साथ ध्यान रखते हुए जाएंगे ताकि कोई मुश्किल ना हो, मतलब बाद में अगर कोई मैश को मूव भी करना पड़ जाता है तो वो हम आराम से कर लें। एक्सरे मोड ऑन रखेंगे, इसको एक बार एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे, और एक बार एक्सप्लोर करते हैं वो उसकी मैं कर बनाते बना रहा हूँ ताकि वो थोड़ा स्मूथ हो जाए। अब हम इसमें फिलिंग कर लेते हैं यहाँ पे और हो गया फिल। अब हम हाँ ठीक है, शेप बिल्कुल ठीक है, इसको यहाँ पे करते हैं और इसको यहाँ, और इसको पहले एक्सप्लोर करते लगाते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको बिल्कुल यहाँ पे, एक बार और यहाँ, ये सही शेप बन रही है। और इसके बाद एक लेयर नीचे और करनी है, अब इसमें करनी फिलिंग। ओके, हम टायर की शेप थोड़ी सेट करते हैं, थोड़ी लाइन के ऊपर से बाहर हो गई, इसको जी मूव यहाँ, इसको यहाँ, और इसको जी करते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे। अब हम इस फ्रंट पे आते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं यहाँ थोड़ा नीचे तक, और इसको 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 और इसको फिलिंग कर देते हैं, और यहाँ से इसकी एक्सप्लोजन लाइन के मुताबिक यहाँ पे रखते हैं और एक पीछे ले आते हैं
इसको थोड़ा जी एंड जेड लिखते हैं यहाँ पे, और हाँ बिल्कुल इसको ई, इसको एक बार अंदर की तरफ से गुजारेंगे या फिर इसके साथ ही फिल कर देते हैं इसको बड़ा साथ, इसको भी जी एंड वाई मूव किया यहाँ पे, इसको एक बार ई एक्सप्लोर दिया यहाँ पे और इसके साथ कर देते हैं फिल ताकि वो सही शेप बनती रहे। यहाँ पे हो गया, अब हम टॉप व्यू से ओके इसको पकड़ा जी एन एक्स यहाँ पे बिल्कुल ये, और ये इनको भी करते हैं जी एन एक्स हल्का सा बाहर है और ये प्रोपोर्शनल एडिटिंग बंद करते हैं, उसके बाद ये नीचे अंदर की तरफ ही होता हो जाएगा, इसको जी वाई आगे की तरफ। और हाँ अब हम वापस आते हैं बैक की तरफ और अब इसको भी टॉप व्यू से देखते हुए चलते हैं। ओके इसको जी एम एक्स शेप असर यही बनी है, अब हमें नीचे बनाते हुए जाना है, इसको पकड़ा एक बार एक्सप्लोर किया यहाँ पे, एक बार एक्सप्लोर किया यहाँ पे, एक बार एक्सप्लोर किया, एक बार एक्सप्लोर किया यहाँ, एक बार यहाँ पे, और उससे पहले इसको डबल जी प्रेस करके यहाँ पे करते हैं, इसको इधर, इसको इधर और इसको कर देते हैं इसके साथ फिर, और इसको करते हैं इसके साथ फिर, इस अंदर वाले को कर देते हैं ताकि वो बाहर वाले को हम जाके बाहर कर सकें, इसको 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 किया डिस्ट्रैक्ट और इसको कर देते हैं फिर, इसको हाँ करते हैं टॉप व्यू से, ये जो एक शेप निकली है इसको करते हैं बाय जी एन एक्स या यहाँ, इसको पकड़ा यहाँ तक बिल्कुल जी एन एक्स, ओके। और अब हम इस पार्ट को भी करते हैं इसे जी इंडेक्स, अब एक बार एडिट मोड से बाहर आके देखते हैं और फोकस ऑन, बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है बिल्कुल। और अब इसके बाद एक लेयर इसकी और नीचे करनी है, अब इसमें हमने एक काम करना है अंदर वाले को बाहर करना, यानी इसको और इसको जी एक्स और इन तीनों को अंदर की तरफ जी एक्स यहाँ पे, अब इसको एक एक करके तीनों को फिल करेंगे, इनको सब डिवाइड और इसको फिल, इसको भी फिल और इसको भी फिल, और अब इनको करते हैं फिल और इसको भी, इन तीनों को भी फिल कर देते हैं, अब हम साइड व्यू से इसकी सही शेप बना देते हैं। साइड से
जी एंड एक्स इसको अंदर कर देते हैं और इस फेस को हम कुछ भी करेंगे। ओके हाँ ठीक है मैं समझ गया। अब एजेस को हमने पकड़ना है, एक इसको इसको और इसको जी एंड एक्स रखना है यहाँ पे, और अब जो एक ये है इसको भी पकड़ के जी वाई एक्स की तरफ यहाँ पे ये फ्रंट से अगर शेप देखें तो बिल्कुल ऐसी बन गई है और ऐसी ही सही है। ओके अब हम आगे काम शुरू करते हैं और इसको अंदर की तरफ, ये जो अंदर इनर सर्कल बना है इसको यहाँ पे मूव करते हैं। वो आउटर सर्कल में आउटर सर्कल बना रहा था, वैसे इनर सर्कल ठीक है, फिर डबल डबल काम नहीं करना पड़ेगा। इधर लाइन के ऊपर ऊपर ही सब कुछ करना है, उसके बाद अंदर टायर आ जाएगा। इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे इसको इधर इसको यहाँ पे इसको वो मैं असल में एक शेप बना रहा हूँ जिसको मैं बाद में बताता हूँ कि हमने क्या करना है। इसको इसको पकड़ा, इसको पकड़ा इधर, इसको पकड़ा इधर, अब इस पूरे को पकड़ते हैं। अब यहाँ कंट्रोल यहाँ तक, अब करते हैं स्केल एस वाई की तरफ यहाँ, इसको और इसको जी जेड हल्का सा डबल जी मूव किया इसको यहाँ, और अब इस पूरे रूप को सिलेक्ट करते हैं और इनको एक्सप्लोर और स्केल करते हैं अंदर की तरफ कंट्रोल जेड और कंट्रोल यहाँ तक। अब इनको एक्सप्लोर किया यहाँ और स्केल किया कंट्रोल सेट। अच्छा ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा वर्टिसेस सेलेक्ट हो जाते हैं जिनका सेलेक्ट होना नहीं है, जिनको नहीं सेलेक्ट होना चाहिए। अब एक्सप्लोर एंड स्केल जी जेड ओके इसको जी मूव किया यहाँ पे, इसको भी जी मूव किया यहाँ, अब परफेक्ट है। अब हम इसके बाद नीचे पूरी ये बम्पर की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले हम पूरी बॉडी की शेप बनाना शुरू करेंगे। इसको मूव किया यहाँ तक, उसका भी जब हम टायर बना लेंगे ऐसे ही हम एक्सक्लूजन करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी शेप सही करना है टायर की, जो इनर सर्कल है जी एक्स की तरफ इसको जी एक्स मूव करते हैं ताकि सही रहे। अब बिल्कुल ठीक है। ओके ये बना यहाँ तक और साइड से इतनी बन गई, ठीक है। हमारी कार जल्दी जल्दी बनती भी जा रही है,
इसको जल्दी जल्दी से कंप्लीट भी कर देते हैं। इसी तरह टायर की पूरी शेप बना लेते हैं, एक यहाँ तक, एक यहाँ तक, एक यहाँ पे, यहाँ और एक यहाँ पे। उससे पहले डबल जी प्रेस करते हैं इसको यहाँ और इसको इधर। डबल जी प्रेस के इधर थोड़ा सा यहाँ पे, एक बार इसको यहाँ पे किया, एक बार इसको और इसके साथ कर दिया फिल। अब इस पूरे को करते हैं सिवाय इसको छोड़ के, फिर इसको पकड़ा, इसके साथ किया फिल। एक्स ओनली फेसेस, इतना पार्ट किया सेलेक्ट, फिर और अब इतना पार्ट किया सेलेक्ट और फिर इसको अब हम इसके साथ भी कर देते हैं। अब ये वाला भी करते हैं कि कंट्रोल यहाँ तक और फिर यहाँ तक फिर। इसके बाद हम यहाँ नीचे पूरी वो बम्पर की शेप बनाएंगे और अब हम यहाँ से टायर की शेप कंप्लीट करते हैं। एक यहाँ पे, जी मूव किया इसको यहाँ, और यहाँ पे एक एक्सप्लोड किया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ इनको हम एक्सप्लोड करते हुए लाते हैं और ये पूरी यहाँ तक शेप बना देते हैं। एक शेप बनी यहाँ तक, यहाँ तक और ये साथ, ये भी फिल, इसको भी करते हैं एक्सप्लोड यहाँ पे। इसको पूरी लाइन वाई एक्सिस पे यहाँ तक खींच के लेके जाएंगे, यहाँ तक। और अब हम यहाँ पे इस एज में एक सब डिविजन डालेंगे, इसको डबल जी मूव किया यहाँ पे, या फिर इसके फेस नहीं डालना, हम ये अलग शेप आ गई, यहाँ पे अलग शेप आएगी। इसको करते हैं थोड़ा सा डबल जी प्रेस यहाँ तक, कंट्रोल पकड़ते हैं इसको यहाँ, इसको भी कंट्रोल जेड और शिफ्ट, इसे भी जी बाय। इसको और यहाँ पे ये वाला आर दबा के लूँ, फिर ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला, हाँ इतना लूप करते हैं और करते हैं, फिर ये हो गया। अब हम एजेस पकड़ के बाहर की तरफ मूव करेंगे ताकि वो सही शेप बन जाए। ये वाली पूरी शेप
जी एक्स सिर्फ इन दोनों को करते हैं और इसको जी एक्स इनको भी थोड़ा अंदर की तरफ जी एक्स कर लेते हैं। डबल जी रखा इसको यहाँ और अब ये वाला एज पकड़ा जी एक्स अंदर की तरफ यहाँ पे और अब हमारी कुछ ऐसी शेप बन गई है, बिल्कुल परफेक्ट शेप। अब जो हमारा यहाँ पे फेस है हाँ ये वाला, इनको थोड़ा सा हम करेंगे एक्सट्रूड ताकि ये थोड़ा वाजे हो जाए। जेड बिल्कुल यहाँ पे, और अब हम ऊपर ये शेप बनाते हैं एक्सट्रूजन कर करके, इसको भी एक बार एक्सट्रूड करते हैं यहाँ पे, एक बार एक्सट्रूड किया यहाँ, एक बार एक्सट्रूड किया इधर, और अब मैंने उसके बाद यहाँ पे थोड़ी फिलिंग और की है। और अब हम नीचे इसके कुछ मज़ीद फेसेस बना रहे हैं, इसको हम करेंगे इसके साथ फिल कंट्रोल जेड और साथ कुछ न्यू वर्टिसेस को भी कर देते हैं फिल, इसको करते हैं जी प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑफ करके, इसको यहाँ और इसको यहाँ पे, अब इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसको यहाँ यहाँ पे यहाँ पे और ये। अब इन दो एजेस में हमने करनी है सब डिविजन। अब हमारे पास ये न्यू फेसेस आ गए, न्यू वर्टिसेस आ गए, इनको डबल जी दबा के इनके साथ करते हैं फिर इसको रहने देते हैं इधर एक्स डिसॉल्व वर्टिस, फिर इसको करते हैं इसके साथ और इसके साथ फिर ओके। अब हम कुछ वर्टिसेस को बाहर की तरफ कर देते हैं जहाँ पे उनकी शेप बननी चाहिए। अब हम फ्रंट अब बैक की तरफ आते हैं, और बैक की तरफ आने के लिए ये पिक्चर हमें हाइड करनी होगी। इसका इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेते हैं, ओके साइड व्यू में ओके ठीक है, मैं समझ गया। मतलब इन इसको और इसको जी एक्स मूव करना है यहाँ की तरफ और इसको जी जेड और इसको भी जी जेड की तरफ यहाँ, और थ्री फेस को एक्स डिलीट ऑन दी फेस कर देते हैं, और जो क्लोजेस्ट और नियरेस्ट वर्टिसेस होंगे उनको हम उसके साथ जोड़ देंगे, जैसे ये यहाँ इनके साथ फिर
और ये चीज इस चीज में बात कर रहा हूँ। इन दोनों को भी हम जी एंड एक्स कर लेते हैं। फ्रंट से ऐसी है, साइड से ऐसी है, और अब इनकी एक्सप्लोजन करनी है। एक्सप्लोजन की यहाँ तक, और एक बार एक्सप्लोर और करना। और अब टॉप व्यू में आते हैं। वर्टिसेस में इसको पकड़ेंगे और कंट्रोल प्लस या खुद से स्ट्रेट कर लेते हैं। टॉप व्यू से अब हम इसको मूव करते हैं, या इसको यहाँ होना चाहिए और इसको पकड़ते हैं यहाँ पे। यहाँ पे और इसको होना चाहिए यहाँ पे इस तरह, इसको होना चाहिए इधर, इसको होना चाहिए इधर। ये होगा यहाँ पे, हाँ बिल्कुल जी। इसको रखना है यहाँ पे, इसको इधर ही, बिल्कुल परफेक्ट सही जगह पे। अब हम इसकी लाइट्स बनाने लगते हैं। बनाएंगे इसमें सब डिवाइड और इसको डबल जी प्रेस करके यहाँ पे। अब इनको करना है एक्सप्लोर एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। अब फ्रंट से आते हैं बैक व्यू में। किधर गया? टॉप व्यू से करते हैं। यहाँ पे अच्छा, इसकी बैक लाइट यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, तो हमने एक पॉइंट रखना है यहाँ पे और इस पॉइंट को रखना है यहाँ पे। या फिर उसके बजाय हम ऐसा कर देते हैं कि यहाँ बैक से फेसेस ही फिल कर देंगे और फिर उनको इंसर्ट कर देंगे ताकि वो लाइट बन जाए सही वाली। ये है फ्रंट व्यू और इसको हम एजेस, टॉप एजेस को करते हैं सिलेक्ट और इसको करते हैं वाई की तरफ, या फिर उससे बेहतर फिल करते हैं। हम आधे से ज़्यादा हमारी गाड़ी कार बन गई है। देखें सिर्फ बॉटम पार्ट रह गया और फ्रंट पार्ट, फ्रंट और ये जो बम्पर होता है उसका, लाइट्स वगैरह। ओके, अब हम एक्सप्लोजन फिलिंग सिर्फ एक अनहाइड्रेंज है और बाकी हाइड कर देते हैं। जैसे ये बैक, बैक इसका ये और इसका साइड व्यू ये है। इसको करते हैं एक्सप्लोर यहाँ तक एक बार, एक्सप्लोर यहाँ तक एक बार, कंट्रोल जेड। इसको इसके साथ फिल डबल जी या फिर जी जेड मूव करते हैं इसको यहाँ पे।
भी सामने रख लेते हैं। क्या बनाए थे हम? ओके ठीक है, इसके अंदर भी देगा। यहाँ पे और इसकी अभी फिलिंग रहने देते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं। लीड एजेस इस पिक्चर को जी वाई में दूर कर देते हैं यहाँ बिल्कुल। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट। ओके मैंने इसमें अब थोड़ी थोड़ी फिलिंग की है यहाँ पे होने की ज़रूरत थी। पहले तो समझ नहीं आई थी लेकिन मैंने एक बार फिल करके देखा तो समझ आ गई कि हाँ ठीक है ऐसे ही होगा। अब मैं इसको बैक साइड से सही एक्सप्लोर करता हुआ लेके चलूँगा। उसके बाद हम नीचे से भी अब इसको फिलिंग करते हुए जाते हैं। ओके यहाँ पे हम इसको जी एक्स मूव करना है यहाँ पे। ये टॉप है और ये बॉटम भी हमारा। इसको हम यहाँ से एक्सट्रूड और इसके साथ फिल कर लेंगे। ओके अब ठीक हो गया। अब हम इसको बैक से एक्सट्रूड करते हुए लेके जा सकते हैं। अब हमारा ये साइड पार्ट है। ओके इसको हम जी थोड़ा ज़्यादा नीचे की तरफ करेंगे। सिर्फ एक को एक वर्टेक्स यानी इस वाले को जी जेड। यहाँ और टॉप और बॉटम इसको नहीं, इसको करते हैं फिर। इसके साथ इसके नहीं इसके साथ करते हैं फिर। अब थोड़ी नजर आई शक्ल। अब हम इसको करते हैं नीचे। इसी को अब हम इसको और इसको बस सब डिवाइड कर दें साइड व्यू से। डबल जी इसको और इसको अब इन चारों को करते हैं फिल। ये हो गया यहाँ ये फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू, ओ सॉरी बैक व्यू, फ्रंट बैक। ओके इसको करते हैं हाइड, इसको करते हैं सेलेक्ट। मतलब हम नेक्स्ट इसके फेसेस बनाते हैं नीचे। जैसे हमने एक ये बनाया उसी तरह हम आगे भी बनाते हैं इसके। लेकिन उससे पहले ये
एंड एक्स फोर जी वाई यहाँ और साइड व्यू से इसको जी वाई की तरफ ले जाते हैं बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर और बिल्कुल यहाँ पे इनको थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं जी वाई फ्रंट और बैक व्यू और इनको करते हैं जी एंड एक्स की तरफ अब हम जहाँ पर फिलिंग करने की ज़रूरत है इधर और इसको ये कर दी हमने एक फिल हाँ बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट किया हुआ है अब हम इसको इसको और इसको करेंगे फिल ओके बहुत सही बनते जा रहा है अब हम बैक से इसको इसका हम बम्पर बिल्कुल डिफरेंट बनाएंगे अलग प्लेन से और अब हम इसको 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 या फिर एक्स रिमूव करते हैं ऑफ अब हम नीचे एक वर्टिस होगा उसके साथ करते हैं इसको फिल जैसे ये वाला नहीं ये वाला नहीं है ये वाला और ये वाला नहीं करते स्वेक्ट हाँ ये वाला था अब हम इसको बिल्कुल साइड व्यू से देखते हैं और ये चीज इसी चीज की मैं बात कर रहा था अब इसको हम एक बार सब डिवाइड करते हैं इस एज को मैं हो सकता है कि थोड़ा स्लो हूँ लेकिन काम मैं अच्छा ही करता हूँ गारंटी आपके सामने है हूँ मैं आप तो एक बिगिनर ही लेकिन अभी ऐसा बिगिनर जो भी काम सीख रहा है इसको यहाँ पे एस जेड या फिर उसको दे रहे देते हैं इसको उठा के रखते हैं यहाँ पे इसको जी वाई यहाँ और एक बार सब डिवाइड इसको रखते हैं यहाँ पे इसको यहाँ 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 और इसको एक बार एक्सट्रूड करते हैं इधर की तरफ और इसको इधर और इधर फिर ये हो गया यहाँ पे अभी हमारी इतनी कार बन गई है अब हम इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं ये लूप सेलेक्ट किया इसको पकड़ते हैं एक्स की तरफ यहाँ जी वाई यहाँ थोड़ा सा जी वाई बाहर की तरफ एक्स की तरफ एस एक्स इसको जीरो करते हैं और इसके ऑपोजिट व्यू में जी एक्स एरो को इसको यूज करके बिल्कुल क्लोज करेंगे यहाँ पे और जी वाई
इसको डबल जी प्रेस करके रखते हैं। यहाँ पे कुछ ये इस तरह लगेगा। और अब हम इसको इसको इनको भी कर देंगे फिर, और इनको करते हैं फिर करते हैं इंजर्ट या फिर हाँ यही चीज जो हम बनाना चाह रहे थे, इनको डिफरेंटली हम फिल करते हैं, यानी एक एक फेस करके ये इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे फिल। अब 3, 2 एंड 1 जी वायर मूव करते हैं यहाँ पे, और साइड व्यू से अगर देखो तो यहाँ पे इसको रोटेट करते हैं और इसको जी वायर यहाँ पे। अभी कुछ समझ नहीं आएगी लेकिन बाद में हम इसको सेट करते हैं। ये यहाँ पे और इसको जी वाई रखते हैं यहाँ पे। बिल्कुल परफेक्ट। अब हमारे अब अपनी लैम्बो को देखते हैं टॉप व्यू से, या फिर हम जो हमने जो अभी लाइट्स बनाई हम उसको अनडू कर देते हैं, वो ये भी हम अलग ही बना देंगे, शेप यही रहेगी लेकिन हम इसको बनाएंगे अलग। और उसके बाद जो हमने चेंजेस की थी हम वो ठीक कर लेते हैं, इनको हम एक्स और डिलीट फेसेस कर देते हैं ताकि हमें पता हो कि कहाँ से हमें चेंजेस करनी है। और अब 2 एड सेलेक्ट में जाके जी वाई थोड़ा सा आगे इसको सेट करके जी वाई थोड़ा सा पीछे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा जी वाई आगे की तरफ कर देते हैं यहाँ पे। ये फ्रंट लुक है ये, और ये है बैक लुक। बैक लुक में कुछ कमी लग रही मुझे, इसको फोकस ऑफ करते हैं, फ्रंट से बैक लुक में आते हैं। और इसका और काम करते हैं मुझे, या फिर इस इधर इसका जो ये वर्टिस है डबल जी प्रेस करके यहाँ पे, अब कुछ ठीक लग रहा है। इसको डबल जी प्रेस किया यहाँ पे, इसको डबल जी प्रेस किया यहाँ, और इसमें और इसमें क्यू सब डिवीजन, इसको जी एक्स यहाँ पे थोड़ा सा जी एंड जेड ऊपर की तरफ कर लेते हैं बिल्कुल यहाँ जी एंड जेड जी एंड एक्स पहले अपनी पिक्चर देख लेते हैं, फिर हम इसको एक में हाइड किया और इधर इधर इधर
ओके मैं समझ गया, कंट्रोल जी किया, ठीक है। इसको डबल जी प्रेस करके यहाँ, और इसको डबल जी प्रेस करके जी एंड एक्स यहाँ, जी एंड जेड यहाँ, जी एंड जेड थोड़ा सा यहाँ, और इसको जी एक बार एक्स करके देखते हैं। यहाँ पे मतलब इसमें एक सब डिविजन ऐड करनी, इसको पकड़ते हैं जी और रखते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा डबल जी मूव करते हैं, ये चीज आपको कुछ आ रही है हमें लुक। इसको रखते हैं बिल्कुल यहाँ, इनको करते हैं स्केल, मूव करते हैं यहाँ, और आप करते हैं थोड़ा सा रोटेट, डबल जी मूव के इसको जो, और इसको खुद से कर लेते हैं यहाँ पे, और ये हो गया हमारी कार का ऑलमोस्ट 80% मॉडल तैयार। अभी आगे से बैक और बम्पर तो हमने बना रही है, लेकिन आगे वगैरह भी जाता है। ये फ्रंट है, ये बैक है, और अब हम इसको बनाते हैं। इसको रखा इधर, इसको रखा बिल्कुल यहाँ पे, और सेंटर वाले को ई एंड जेड बिल्कुल यहाँ पे, इनको अप करते हैं, फिर इसको पूरा सेलेक्ट हो जाता है, अब हम इसको करते हैं फिर, अब हम इसको फिर करते हैं फिर, फिर एक्सट्रूड, ऐसे ही हम ये पूरे मॉडल में हमने किया, और इसको हम जी एन वाई, या फिर ये इसमें थोड़ी मिस्टेक हुई है, इसमें नहीं करना था, इसमें इसे और इसे, ना ना ये भी नहीं, ओके मैं समझ गया, इसे इसे और इसे पहले करते हैं यहाँ से, फिर इसे करते हैं यहाँ, और इसके साथ इसको इसको, और इनको अब करते हैं यहाँ से फिर, और अब इसको जी वाई की तरफ, और प्लस इसको भी, लेकिन उससे पहले हम टॉप व्यू से बॉटम व्यू में चलते हैं, इसको करते हैं हाइड, और अब इसके एडिट मोड में चलते हैं जी एंड वाई यहाँ पर, जी एंड एक्स, जी एंड वाई, ओके ओके मैंने छोटी मोटी एडजस्टमेंट इसमें कर लिया। इसको डबल जी मूव करते हैं इधर, और अभी मैं जो करने लगा हूँ वो उससे शुरुआत होगी, इसके बम्पर की, इसको यहाँ पे, और हम इसको करते हैं फिर यहाँ पे इस तरह, हम इसको, और लेकिन उससे पहले इसको एक्सट्रूड करते हैं जेड एक्सिस पे बिल्कुल यहाँ, और अब इनको करते हैं यहाँ पे फिर, और अब साइड व्यू से थोड़ा देखते हैं, और
जो ये वाला एड है, एक सेकंड, डिलीट एजेस वर्टिसेस में, इसको कर दिया यहाँ पे फिर, और इनको करते हैं जी वाई एंड जी जेड, और अब बिल्कुल जी वाई यहाँ पे, और इनको करते हैं यहाँ, और इनको करते हैं जी एंड वाई, ये चीज। अब इसके फ्रंट से भी हो गया, बैक से भी, बस ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही काम रह गया। इनको अब हमने एक साथ एक्सप्लोर करना है जेड एक्सिस की तरफ, कुछ इस तरह से, और अब इन तीनों को करना है फिर, उसके बाद एक एक्सप्लोजन होगी यहाँ पे, एक एक्सप्लोजन होगी यहाँ पे, उसके बाद एक एक्सप्लोजन होगी यहाँ पे, एक एक्सप्लोजन, या फिर एक सेकेंड, अब हमने बम्पर की जगह बना दिया। हाँ ठीक है, अब बम्पर हम इसका अलग से ही बना देंगे ताकि वो अलग ही शेप रहे और देखने में भी अच्छी लगे। हमारा सिर्फ एक छोटा सा काम रह गया, जिसका हमने फ्रंट टायर में किया था, उसी तरह हम इसको भी करेंगे कि थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दिया था हमने, इतना सेलेक्ट, और अब जो एक रह गया इसको एक्सप्लोर, और स्केल जी एंड जेड, इधर जी एंड हल्का सा वाई, और एक बार कंट्रोल प्लस करते हैं, और प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन करके थोड़ा सा स्केल कर देते हैं बिल्कुल यहाँ पे, और अब इसको, और इसको जी एंड जेड बिल्कुल नीचे, और प्रोपोर्शनल एडिटिंग को इसमें ऑफ कर देंगे यहाँ। अब हमारी गाड़ी तो टॉप साइड से तो बिल्कुल बन गई है, अब बारी आती है इसके बॉटम की, लेकिन उससे पहले ये छोटा सा काम रह गया, इसको एक एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे, एक एक्सप्लोर करते हैं यहाँ, एक एक्सप्लोर किया इधर, इसको एक एक्सप्लोर करते हैं यहाँ, थोड़ा सा जी वाई है, या फिर दोनों को एक साथ ही कर देते हैं, जी वाई, जी एंड वाई, इसको और इनको कर दिया, फिर ये बन गई यहाँ तक, और अब हम इसको देखते हैं कि अब कैसी लग गई है। वाओ प्रीटी नाइस, प्रीटी नाइस, फोकस पे करते हैं, अब देखते हैं इसको साइड व्यू से, एक छोटी सी चीज रहेगी, इसको बड़ा जी वाई की तरफ ये, और अब अपने काम को सेव कर देते हैं, वो भी इस व्यू से, कंट्रोल एस, ये हो गया। तो जहाँ से मुझे छोटी मोटी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ी थी मैंने वहाँ पे कर लिया, और अभी तक हमारी बहुत अच्छी चीज़ें चल रही, यानी कि कार की बॉडी पूरी पूरी मुकम्मल हो चुकी है। ये इसकी असल सही बॉडी होती, मैंने इसके
विंडोज़ वगैरह और विंडशील्ड भी बना दिया, और इसका सिर्फ बॉटम रह गया, वो हम बम्पर बनाने के बाद करेंगे। फिर उसके बाद हम टायर करेंगे और लास्ट काम होगा हमारा इसका कलरिंग का। उसके बाद फाइनल रेंडर हम एक सीन पूरा क्रिएट करेंगे, और मैं एक एड ऑन डाउनलोड करूँगा रिग आकार, उससे हम इसको एनिमेट करेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी, कोई बात समझ नहीं आई होगी तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।